बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो आज की हमारी वीडियो है मटर आलू का सालन। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज, दो जवे लहसुन के और चार टमाटर लिए हैं और चार हरी मिर्चें। और ये मैंने मटर के जो छिलके हैं वो निकाल कर मटर के दाने लिए हैं। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा आलू जो है वो इस तरह काट के रख दिया है। तो ये सब सामान है। अब हम अपने मटर की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर में तेल गरम कर दिया है। हमारा तेल गरम है इसलिए मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब हम प्याज के फ्राई होने का वेट करते हैं। गाइस, मेरे वीडियोस पर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी जो वीडियोस है वो शेयर किया करें ताकि मेरे वीडियोस पर व्यूज आ सके। तो यहाँ पर मेरे प्याज फ्राई हो चुके हैं हाफ फ्राई, और उसी में मैंने मटर जो है वो शामिल कर दिए हैं। अब हम मटर के फ्राई होने के बाद जब हमारे प्याज जो है वो गोल्डन हो जाए तभी हम उसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे। काफ़ी इजी रेसिपी है, आप लोग इजीली घर में जो है वो ये बना सकते हैं। तो हम अब इसमें लहसुन ऐड कर चुके हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई होने का वेट करेंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोग के आलू मटर कैसे बने थे। शामिल कर रहे हैं और साथ ही में इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें भी। और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप लोग हसबे जायका जो है नमक ले सकते हो। मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। मैंने स्पाइसेस में लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और हल्दी भी 1/2 टेबल स्पून। नमक तो हम डाल चुके हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा टमाटर जो है वो पानी छोड़ दे। मैंने 1 ग्लास वाटर लिया था लेकिन मैंने थोड़ा सा ही डाला है इसमें अभी, क्योंकि हमारे टमाटर जो है वो भी पानी छोड़ेंगे। अब मैं इसका सर ढक दूंगी। 2 मिनट के बाद अब हम इसे फिर से चेक करेंगे और फिर बाकी का पानी डालेंगे। और यहाँ पर हमने 1 ग्लास पानी जो है और शामिल किया है और अब कुकर का सर बंद करेंगे और पूरे 15 मिनट बाद जो है चेक करेंगे। तब तक आप लोग जाकर मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। आप लोग के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, प्लीज़ कमेंट्स किया करें। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा मटर जो है वो बिल्कुल रेडी है, आलू मटर। और अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं।
ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, टेस्टी बने थे, थोड़े से स्पाइसी भी थे। आप लोग बनाइएगा ज़रूर, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। और मेरी वीडियोज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार की वजह से ही मेरा चैनल अभी इतना आगे आया है। तो ऐसे ही अपना प्यार करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स भी करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।